Hello my experimenting YouTube family, how are you all? Hope you all are doing great and today I'm going to share with you an amazing home remedy for hair fall control. So stay tuned till the last and it will be 100% effective to you. So stay tuned. विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा हेयरफॉल होता है क्योंकि हमारी जो स्काल्प है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। मेरा तो इतना झड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कम दिन में टकली हो जाऊँगी। सच में मतलब मैं आई स्वेयर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी वैसा हो रहा है या फिर आपका बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है तो इसको ज़रूर से ट्राई करिए, ये आपको गारंटी इफेक्टिव लगेगी और हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा पूरा। मतलब जैसे नॉर्मल जितना बाल झड़ना चाहिए उतना ही झड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है। इसी नारियल तेल का ब्रांड यूज़ कर सकते हो, मतलब पैराशूट में यहाँ पर कोई ब्रांड के प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर ये थोड़ा सा अच्छा वाला नेचुरल है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। या फिर अगर आप बालाजी का जो येलो कलर वाला नारियल आता है नारियल तेल, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको बस हल्का सा ल्यूक वार्म करना है, बस हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर लेना है और फिर हम इसमें क्या डाल देंगे, जो विटामिन ई कैप्सूल आता है ना वो मस्ट है। अगर आपके पास विटामिन कैप्सूल नहीं है तो आप कोई भी पास की जो मेडिकल स्टोर है वो आपको मिल जाएगा, मतलब वहाँ आपको मिल जाएगा। और विटामिन ई कैप्सूल मतलब हेयर के लिए तो बहुत अच्छा है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसको तेल पे डाल के लगाते हो तो आपको तो ये इफेक्टिव रहेगा। अगर आप चाहो तो इसको आप नॉर्मली खाने के बाद कभी मन करे तो रात में एक तो खा भी सकते हो। ये स्किन के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, पर मैं खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि किसी को सूट करता है नहीं करता है। पर आप इसको ये तेल में डाल दो। और एक इंग्रेडिएंट है जो तेल में डाल के आपको लगाना है वो मैं आपको बताऊँगी। आप सबसे पहले ये विटामिन ई कैप्सूल अगर आपके पास नहीं है तो ले आओ और इसको बस थोड़ा सा कट कर देती हूँ और फिर इसमें मैं डाल देती हूँ। और मैं ये ऑयल को ना करीब एक महीने से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरा बाल ना बिल्कुल नॉर्मल जितना आपका झड़ता है दिन में कोम करने से बस उतना ही झड़ रहा है। पहले तो इतना झड़ता था, वो कम पे भी लगता था और नीचे भी गिरता था, मतलब बहुत ज़्यादा बाल झड़ता था। तो अभी पूरा कम हो गया है, पूरा कंट्रोल में आ गया है। तो अभी आप इसको ज़रूर से ट्राई करो। मैं मुझे काफ़ी मतलब मुझे जितना लग रहा है कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ एलोवेरा जेल। मैं पतंजलि ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, मतलब वाओ ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी एलोवेरा जेल या फिर फ्रेश एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी ये मेरे पास पतंजलि का है तो मैं इसमें 4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ और फिर इसको अभी मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको आप अप्लाई करो। अगर आप संडे बाल धोना चाहते हैं तो आप सैटरडे नाइट को इसको अच्छे से लगा के सो जाओ और फिर संडे आप हेयर वॉश कर लीजिए। और इसको आप ट्राई करो कि एक वीक में 2 बार बाल धोने के लिए और एक वीक में 2 बार इसको लगाने के लिए, तभी जाके आपको और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और हमेशा ट्राई करो कि एक वीक में 2 बार ही आप हेयर वॉश करें, तभी जो आपका हेयर फॉल है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। और इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ और एक भी वीडियो शेयर करूँगी जो है आपका जो हमारा जो विंटर में बाल बिल्कुल फ्रीजी हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है और स्प्लिट होने लगता है, तो उससे कैसे बचें वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस करिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये इफ़ेक्टिव लगा कि नहीं और आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये ऑयल हमेशा यूज़ करिए बाल धोने से पहले। अगर आप इसको एक रात पहले लगा के सोना भूल गए हो तो 2-3 घंटे से पहले भी लगा के आप हेयर वॉश कर सकते हो। और हमेशा ट्राई करो कि एक वीक में 2 बार हेयर वॉश करो। और अगर एक वीक में 2 बार नहीं हो पा रहा है तो आप 4 दिन का गैप देके एक बार हेयर वॉश ज़रूर से करें, तभी जाके आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। और ये ऑयल डेफिनेटली ट्राई करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।